पिक्चर्स को देखो, इनमें से कुछ फेमस बॉलीवुड एक्टर्स हैं, कुछ क्रिकेटर्स हैं और कुछ पॉलिटिशियन भी हैं। पर इन सब में कॉमन क्या है? ये सब बाय एजुकेशन इंजीनियर्स हैं। इंडिया ने इंडिपेंडेंस से आज तक 28 मेडल्स लाया ओलंपिक्स में, और चाइना अकेले 100 मेडल लाया था 2008 के गेम्स में। इंडिया ने आज तक 0 साइंस लॉरेट्स बनाए हैं और यूएसए के पास 100+ हैं। पर एक चीज़ ऐसी है जिसमें हम सबसे आगे हैं, और चाइना प्लस यूएसए दोनों को भी मिला दे तो भी हम सबसे आगे हैं, वो है इंजीनियर्स बनाने में। दिल्ली, बेंगलोर, नोएडा, गुड़गांव, ये सब जगह इंजीनियर से भरी हुई है। और ये लोग सिर्फ इंजीनियर नहीं है, ये फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर्स हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी लाइफ से। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जो पढ़ाई में अच्छा था। स्कूल में उसे बताया गया कि अच्छे से पढ़ाई करोगे तो बड़े होके इंजीनियर बनोगे। घर वालों ने भी यही बोला कि पढ़ाई कर लो, इंजीनियर बन जाओ, पर उसके बाद ज़िंदगी में आराम ही आराम है। उसने स्कूल पास किया और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। आईआईटी तो नहीं पर एनआईटी मिल सकता था उसे, पर जनरल कास्ट का होने की वजह से वो भी नहीं मिल पाया। फिर उसके पास था ऑप्शन प्राइवेट कॉलेजेस का। प्राइवेट कॉलेजेस वालों ने 100% प्लेसमेंट के बैनर्स लगा रखे थे। टाटा से लेकर इन्फोसिस और विप्रो तक सब बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम बैनर पर लिखे हुए थे। लड़का बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करता था, इस वजह से उसे इतना कुछ पता नहीं था इन कॉलेजेस के बारे में। उसने ये सब बैनर देख के एक कॉलेज ज्वाइन कर लिया। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच सेलेक्ट करी। कॉलेज ज्वाइन करने के कुछ टाइम बाद ही उसे पता लग गया कि कॉलेज के बैनर पर लिखी हुई कंपनीज के नाम से लेकर फ्री वाईफाई फैसिलिटीज तक सब झूठ था। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था, फीस रिफंड हो नहीं सकती थी और फैमिली ये सब अफोर्ड भी नहीं कर सकती। तो उसने सोचा कि टाटा ना सही पर कहीं और कंपनी मिल जाएगी। फोर्थ ईयर आने पर उसका प्लेसमेंट हुआ एक छोटी सी कंपनी में सेल्स प्रोफाइल के लिए। प्लेसमेंट के टाइम पर सैलरी 20K बताई गई, और जब ऑफर लेटर हाथ में आया तो सैलरी 6K बताई गई। 4 साल पढ़ने के बाद 6000 सैलरी। उसने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। उसने सोचा वो कोई और कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसने ऑनलाइन बहुत सारी कंपनीज के वेबसाइट पर, ईमेल्स पर अपना सीवी सेंड किया, पर कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर उसने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई किया, लेकिन जनरल कैटेगरी का होने के कारण उसे गवर्नमेंट जॉब भी इजीली नहीं मिल पा रही थी, फैमिली प्रेशर भी था। फिर उसने ऑनलाइन जॉब वेबसाइट ट्राई करने की सोची। उसने अपना सीवी अपलोड किया और कुछ दिनों बाद ही उसे कॉल आने शुरू हो गए, पर वो सब कॉल बीपीओ कंपनी से आते थे। एक दिन अचानक उसे एक कॉल आया और उसे बताया गया कि एक बड़ी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब वैकेंसीज हैं और उसका इंटरव्यू है नेक्स्ट डे। तो वो इंटरव्यू देने नेक्स्ट डे वहाँ गया, उसका इंटरव्यू हुआ और उससे रजिस्ट्रेशन फीस ली गई। उसके बाद उसे बताया गया कि हम आपको इंटरव्यू डेट देंगे और आपको कंपनी में जाकर इंटरव्यू देना है, सैलरी नेगोशिएशन राउंड है सिर्फ। तो उसने सोचा अब तो अच्छी नौकरी लग गई है, सैलरी नेगोशिएशन राउंड है, इजीली क्लियर हो जाएगा। पर काफ़ी दिन हो गए, कोई इंटरव्यू डेट नहीं आई, कोई कॉल नहीं आई। उसके बाद फिर वो दोबारा वापस उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि उस कंपनी से अभी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, इस वजह से आपको हम आप दूसरी कंपनी में भेज रहे हैं। जब वो दूसरी कंपनी में पहुंचा और उसका इंटरव्यू हुआ वहां, तो उसे ऑफर की गई सैलरी 5000 की ड्यूटी के लिए। 5000 बस। वो तंग आ गया था इन सब चीज़ों से, सब कुछ, स्कूल, कॉलेज, कंपनी, सब फ्रॉड। तो उसने डिसाइड किया इन सबको ख़त्म करने का, एंड ही कमिटेड सुसाइड। ऐसे ही पता नहीं हर साल कितने इंजीनियर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इन बेंगलोर 1 out of 20 आईटी इंजीनियर्स कमिट सुसाइड एट सम पॉइंट ऑफ हिज लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्रस्ट्रेशन। आप लोगों को पता है उसने क्या गलती करी थी अपनी लाइफ में? पहली गलती, उसने इंजीनियरिंग ज्वाइन करी। दूसरी गलती, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन करी। तीसरी गलती, जो उसकी थी भी और नहीं थी पर अल्टीमेटली उसी की थी, वो था कि वो जनरल कास्ट में पैदा हुआ था। और लास्ट गलती उसकी ये थी कि उसने कभी नहीं सोचा कि वो क्या बनना चाहता है। उसने हमेशा दूसरों की सुनी, उसने हमेशा यही देखा कि दूसरे क्या चाहते हैं, कि वो क्या बने। इस स्टोरी में कोई ना कोई विलन होता है, इस स्टोरी में भी है। इस स्टोरी का पहला विलन है स्कूल, दूसरा है कॉलेज और तीसरा है रिजर्वेशन। इंडिया में स्कूल एक फैक्ट्री की तरह है जहाँ वर्कर्स हैं टीचर्स, और जैसे फैक्ट्रीज में बैल बजती है वैसे ही स्कूल में भी बैल बजती है।
और यहाँ प्रोडक्ट जैसे टेस्ट होते हैं ओके पास, वैसे ही स्कूल में भी होता है फेल या पास। स्टूडेंट को सिर्फ एक ही लेवल पे देखा जाता है, फेल या पास, वहीं आपकी लाइफ डिसाइड करता है। प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में तो आप सभी को पता है और रिजर्वेशन के बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, पर जब तक ये एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होगा ना, तब तक आप इंजीनियर पहले बनेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपको लाइफ में करना क्या है। और इन सब सुसाइड, डेथ, फ्रस्ट्रेशन के साथ इंडिया के इंजीनियर्स की लाइफ हमेशा ऐसी रही। तो इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप इंजीनियर हो ना तो सब्सक्राइब का बटन हिट करना मत भूलना।